हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कोरोना रनर 6 के बारे में। जो 6 में बहुत सारे अपडेट्स आए, जो अपडेट है मैं स्काई के बारे में बताने वाला हूँ, जो नया अपडेट आया है। तो स्टार्ट करते, सबसे पहले मैं प्लेन लेता हूँ। मैं आपको स्काई में बहुत सारे ऑप्शन मिले हैं, 6 में, 5 में वो नहीं चीज़ थे, अभी 6 में उन्होंने और अपडेट किया हुआ है। तो मैं एक प्लेन बनाता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसे यहाँ पे देन में यहाँ पे कैमरा, यहाँ से कोरोना कैम लिया, एंगल दिया, फिर मुझे कैमरे में जाना है, इसे मैं नीचे लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसे मैं सबसे पहले HD साइज फिक्स कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे जाना है कॉमन में HD, ठीक है, 1920 है। इसके बाद मुझे कोरोना कैमरा सेलेक्ट करना है, देन राइट क्लिक करके टारगेट, ठीक है, ये हो गया। देन इसमें भी मुझे नॉइज, अब नॉइज देके यहाँ से यहाँ पे 100 100 100, ठीक है, ये तो ठीक है। अब इसे यहाँ पे मैं टेक्सचर अप्लाई करूँगा, मटेरियल में जाना है आपको, ठीक है। अभी आप देखेंगे मटेरियल जो फिजिकल मटेरियल आ रहा है यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे जाना है, ठीक है, रन कोरोना कन्वर्टर में क्लिक करना है, देन आपको ये रिसेट मटेरियल एडिटर करोगे तो सारे कोरोना में आ जाएंगे, पुराने जो है रिसेट हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सप्लाई किया 1, ठीक है, इसे यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया, और जैसे इसमें अगर नॉइज ऐड करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना है बम सॉरी डिस्प्लेसमेंट में, यहाँ पे नॉइज का मैप लेना होगा, या तो आप नॉइज यहाँ से ले सकते हो, नॉइज, आपको नॉइज कितना चाहिए, अभी हम रेंडर जब मारेंगे हमें यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, अभी इसके बाद आपको क्या करना है, मैं सिर्फ आपको स्काई के बारे में बताऊंगा कि स्काई का क्या जो नया अपडेट आया है स्काई में वो कैसे यूज़ होता है। तो आपको जाना है लाइट में, देन कोरोना, ठीक है, आपको यहाँ लेना है कोरोना सन, देन मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है, ये हो गया है। देन इसके बाद अभी क्या करना है, मुझे यहाँ पे रेंडरिंग करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइट सेलेक्ट करना है, लाइट सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है मॉडिफायर में, मॉडिफायर में आया यहाँ पे ऑप्शन है ऐड कोरोना स्काई एनवायरनमेंट, आपको यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ का जो मतलब डिफ़ॉल्ट जो स्काई आता है डायरेक्ट को आप देखेंगे यहाँ पे गया एनवायरनमेंट में, यहाँ पे स्काई आ गया है, ठीक है। अगर मैं ऐड नहीं करता तो यहाँ पे नहीं आता था, ठीक है, यहाँ पे नो एक्सपोजर। उसके बाद मैं यहाँ पे एक इंटरेक्टिव रेंडरिंग स्टार्ट करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे इंटरेक्टिव रेंडरिंग स्टार्ट करता हूँ, मैं इसे, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट आ गया, ठीक है। आप देखेंगे हमने सन जो यहाँ पे छोटा रखा है। अभी इसके बाद इसमें क्या करना है आपको भी मैं बता देता हूँ। मैं आपका जो हाईलाइट कंप्रेशर है इसे बढ़ाना है आपको और इसे कम करना है यहाँ पे, और कॉन्ट्रास्ट लेवल इसे हमें 4 कर दिया, ठीक है। अब इस सन को मैं यहाँ से जैसे ऊपर लेके जाऊँगा वैसे वैसे अलग होगा, ठीक है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे सन में मैं एकदम छोटा सा है,
ठीक है। अभी इसे मैं क्या इंक्रीज करा था, यहाँ पे मैं करूँगा 10, तो आप देखेंगे यहाँ पे 10 10 के इतना जो बड़ा स्काई होता है उतना बड़ा यहाँ पे आ गया, बड़ा सन जैसा होता है ना वैसे यहाँ पे आ गया है। अभी यहाँ पे इंटरनेट 0.5 0.1, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे से 5, आप यहाँ पे देख सकते हैं मटेरियल में थोड़ा सा नॉइज लेवल बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पे 50 100, ठीक है। आपको स्काई का पता चल गया। अभी स्काई क्या करना है, जैसे मुझे और इसको कम ज़्यादा करना है। अभी ये जैसे ये प्लेन है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट किया और इसे थोड़ा दूर लेके जाता हूँ मैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ मैं। और हाँ, अभी मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे अभी मैं जैसे सन को ऊपर लेके जाऊँगा आप देखेंगे स्काई चेंज होता रहेगा वो डे की तरफ। अगर समझा डे की तरफ मेरा गया तो आपको यहाँ पे जो है कम इसको करना पड़ेगा, ठीक है। कंप्रेसर है इसमें, यहाँ पे 100 करता हूँ मैं, इसको यहाँ पे -10 या -2 -3, आप ऐसे इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी फिर से मैं अभी अपडेट जो है इसका स्काई का उसके बारे में एक बार फिर से आपको बताऊंगा। अभी इसको मैं डायरेक्ट नीचे लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सन को मैंने नीचे लाया, सन को नीचे लाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका जो इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। मटेरियल में जाना है, मटेरियल में आने के बाद मैंने एक अलग से स्लॉट सेलेक्ट किया, देन आपको रेंडरिंग में जाना है इन्वायरमेंट, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, उसके बाद आपको क्या करना है, स्ट्रीम में जाके मैं इसे यहाँ पर सेव करता हूँ मेरा जो करंट चल रहा था रेंडर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इम्प्रूव दिख रहा है आपको स्काई मॉडल में, और यहाँ पे देखते लिखा है रॉ फेक, मैं करूँगा देखा अभी ऐसे आता है यहाँ पे, तो इसे हम यहाँ पे भी मतलब अलग अलग टाइप के उन्होंने स्काई जो है अपडेट दे दिया है, ठीक है। अभी दिन में यहाँ पे इसे स्टोर करता हूँ मैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे मेरा जो ओल्ड था और ये अभी न्यू, ठीक है, ऐसे है। उसके बाद यहाँ पे जाके के मैं अलग किया तो आप देखेंगे अलग स्काई हो जाता है यहाँ पे, मतलब ये सब उन्होंने अपडेट दे दिया और इजी मतलब इवनिंग हो गया नाइट हो गया, इसमें आप बहुत इजीली और बहुत अच्छे से कर सकते हो। 6 में अपडेट है, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वो भी 45 डेज का ट्रायल डेमो। देन उसके बाद मैं यहाँ पर इम्प्रूव किया, इम्प्रूव करने पर आपका जो नया है स्काई वो आता है यहाँ पे -3, ठीक है। ये हो गया। सेकेंड थिंग इसमें क्या है, जैसे अभी मेरा सन है वहाँ पे ग्लेयर्स आना चाहिए, ग्लेयर्स के जैसे मैंने लट बहुत तो लट भी यूज़ कर सकते हो। लट में देखो लट में कुछ चेंजेस नहीं दिया, उनका जो पुराना है वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, यहाँ पे 0.5, ठीक है। यहाँ पे कर्व्स में जाके आप यहाँ पे जो सेटिंग था पुराना वही है, ठीक है, ये मैंने किया। देन इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, ब्लूम एंड ग्लेयर में जाना है, यहाँ पे गया मैं। अभी आप यहाँ पे देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके लिए मैंने इसको जूम किया, यहाँ पे मैंने किया 50, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, आप देखें लेंस फ्लेयर कैसा इफेक्ट देता है सन का, कि वहाँ सन कहीं भी रहेगा वहाँ पे ग्लो होता है। अभी मैंने 10 किया इसको, ये हो गया।
उसके बाद चारों साइड में मतलब यहाँ पे विग्निटी में वन करता हूँ मैं, ठीक है ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखो नया ऑप्शन जो दिया है कस्टम अपर्चर, इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे ग्लेयर इंटेंसिटी इसमें 10 रखा, देखिए यहाँ पे 50। आप देखेंगे यहाँ पे अपडेट दिखता रहेगा। अभी जैसे मैंने यहाँ पे 50 रखा तो और ग्लो हो गया वो, ठीक है। इसी में यहाँ पे 20 रखता हूँ, यहाँ पे 10 रखता हूँ, ठीक है ये हो गया है। देन इसके बाद कस्टम अपर्चर में आप जाओगे, यहाँ पे एडिटर में आता है, ये नया ऑप्शन दिया हुआ है उन्होंने। अभी यहाँ पे देखे देखिए साइड दिया, ठीक है यहाँ पे 6 साइड से हो रहा है ये। अभी मैं यहाँ पे साइज बढ़ा देता हूँ मैं, आप देखें ये सब उन्होंने नया अपडेट दिया हुआ है। रोटेशन में गया, आपको कैसा चाहिए आप यहाँ से उसे रोटेट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आना है आपको, यहाँ पे आने में इसको ऑन करना है। ऑन करने में यहाँ देखो साइड जो है डेंसिटी उसकी कितनी चाहिए आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे आप देखें ग्लेयर से हो, ग्लेयर्स कैसे होता है ऐसे चारों साइड से सन का रेस होता है वो निकलेगा। ये देखिए वन किया, ठीक है जूम कितना चाहिए। तो ये सब यहाँ पे ना अपडेट जो नए हैं, नए स्काई में ये सब दिया है, कोरोना 6 में दिया हुआ है। ये देखिए सन छोटा हो जाएगा, बाद में ग्लेयर्स इतने दूर दूर तक जाएंगे, तो ऐसे इफेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है हमने डिफॉल्ट किया। लेकिन यहाँ पे ढेर सारे पैरामीटर दिए हुए, जिसे मैंने ऑन किया अलग अलग शेप के। देखो आप यहाँ पे रैंडम हैं, जैसा चाहिए आप वैसा यहाँ पे कर सकते हो। सीक्वेंस वाइज दिया है, ये देखो कैसे हम दूर से देखते हैं हमें वैसे स्टार जैसा दिखता है फील, वैसा यहाँ पे दिया हुआ है। पैटर्न में आप अलग अलग टाइप के पैटर्न सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ये ज़्यादा मोस्टली करके गाड़ी के जो लाइट्स होते हैं उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डेंसिटी दिया, उसे मैंने 1 किया तो कम हो गया 0.1। तो ये सब अपडेट जो है नए हैं यहाँ पे दिया है। ये सब आप यहाँ पे जब चेक करेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा। और यहाँ पे भी दिया है लेंस डस्ट करके, इसको मैंने ऑन किया, डस्ट फील कैसा होता है लेंस में। यहाँ पे भी दिया रैंडम सीक्वेंस, मतलब ये सब नए अपडेट है, पहले वाले में नहीं था। कोरोना 5 में, कोरोना 6 में दिया। आप एक बार यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। ये सब ज़्यादा करके ये जो है लाइट्स जो होते हैं हम, जैसे लैंप हो गया, लैंप में यूज़ कर सकते हैं, कार के लाइट में हो सकता है, तो ये सब वहाँ पे यूज़ करने के काम में आएगा। तो यहाँ पे ठीक है आप देखेंगे सन, अभी दूर से हम लोग कैसे देखते, कुछ चीज़ हमको ब्लर दिख रहा है, तो वैसा ही फील यहाँ पे आ जाता है। तो फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ आपको बताने के लिए किया ये। आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा कि स्काई का जो नया अपडेट है क्या है और उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। और यहाँ पे रोटेशन भी दिया है, रोटेशन से मुझे करना है 180, तो 180 डिग्री में रोटेट हो जाएगा ये। तो ये सब जो है ना नए अपडेट है, और आप एक बार देखिए आपको समझ में आ जाएगा। और इसका डेमो वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसमें कुछ नए अपडेट्स तो नहीं है, इतने ही है। और एक अपडेट और है जो लेंस का, उसके लिए अलग से मैं अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा प्रॉपर का, आपको कार में या तो इंटीरियर लाइटिंग में करके दिखाऊंगा कि कैसे उसका यूज़ होता है। आप देखेंगे स्काई जो फील आता है वो प्रॉपर एकदम स्काई जब सनसेट होता है वैसा फील आया है इसमें। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।